गुमशुदा बबली फिल्म के ऑडिशन देने के लिए आज शहर के टैलेंटेड कलाकारों में होड़ मची रही। ऋषिकेश के उभरते युवा निर्देशक रोहित निषाद के ड्रीम प्रोजेक्ट गुमशुदा बबली का ऑडिशन रविवार के सुबह हरिद्वार रोड स्थित पिज्जा इटालियन में रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने शामिल होकर फिल्म यूनिट से जुड़े जजों को अपने अभिनय का जौहर दिखाया। इस दौरान मौके पर जजों द्वारा फिल्म के अभिनय का सपना संजोए ऑडिशन के लिए पहुंचे कलाकारों को विभिन्न सिचुएशन क्रिएट कर उनके अभिनय को बारीकियों से परखा गया। फिल्म के निर्देशक रोहित निषाद ने बताया कि बेहद संजीदा विषय पर फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म में गांव के एक पंडित की नाबालिग लड़की के गैर बिरादरी के अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग जाने और उसके बाद समाज में उपजी स्थितियों को प्रस्तुत किया गया। फिल्म के निर्देशक रोहित के अनुसार फिल्म का निर्माण पूरी तरह से उत्तराखंड के विभिन्न खूबसूरत स्थानों पर ही किया जाएगा। और हम यहीं के आर्टिस्टों को लेकर फिल्म बना रहे हैं, एक से एक टैलेंट भरा पड़ा है। तो अभी मतलब सुबह से देख रहे हैं हम ऑडिशंस में काफी भीड़ लगी है और काफी लोग आ रहे हैं जो इच्छुक हैं ऑडिशंस के लिए। तो जो गुमशुदा बबली की जो स्टोरी है वो एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो एक गांव की लड़की होती है, पंडित जी की लड़की होती है। वो फेसबुक से उसको एक लड़का पसंद आता है। मैं आपको इसमें वो लड़की जो है उस लड़के से एक तरफ से फेसबुक से प्यार होता है, उसके बाद वो उससे दोस्ती करती है और उसके बाद घर से जब फरार होती है तो उसके बाद की जो स्टोरी है एक गांव में क्या प्रभाव पड़ता है लोगों को, वो लोग क्या क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं। तो टोटल जो स्टोरी है वो उसी पे ही है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश से अमित सूरी की रिपोर्ट।